तो नमस्कार, मेरे फेलो कोर्स करने वाला मैं हूं रामपाल सिंह। आपको एक कोर्स किसी को 101 तरीकों से कैसे मारा जाए, दैट इज हाउ टू किल समवन इन 50 वेज का कोर्स इंस्ट्रक्टर हूं। तो देखिए, चालू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये जो कोर्स है वो 18 साल की एज से कम के लोगों के लिए। अरे यार, प्रिंटर दादा ने फिर से गलती कर दी और मैंने उनको कुछ देखिए, ये कोर्स आप 18 साल एंड इनफैक्ट 18 साल के नीचे वाले भी कर सकते हैं, बट जो है प्रैक्टिकल बाद में कर लीजिएगा 18 साल के बाद, है ना। तो हाँ, और एक और बात करना था आपसे। देखिए, ये जो कोर्स है हमने ये इंडस्ट्री के सब दिग्गज लोगों से सीख कर बनाया, तो इसका ज्ञान वेस्ट ना होने दे। और एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, एटलीस्ट 2 से 3 मर्डर तो जरूर कर दीजिएगा एक कोर्स एंड होते होते। जी जी जी, तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जी। प्रथा है। सो व्हाट इज किलिंग, हत्या किसे कहते हैं? तो देखिए, मैरियम वेबस्टर मैडम कहती है किलिंग किल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। काफी सरल और सिंपल शब्दों में समझाया है मैडम ने, और यही डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। कुछ भी डाउट आया, ये डेफिनेशन। कुछ भी क्वेश्चन आया, ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमारे लिए एक मूल तंत्र है। जी चलो, डेफिनेशन तो हो गया। चलिए जोकर जी की 3-स्टेप प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। आप पूछेंगे व्हाट इज जोकर्स 3-स्टेप प्रोसेस। तो देखिए, जोकर जी जो थे सिर्फ और सिर्फ अपनी हंसी के लिए जाने नहीं जाते थे, ये टेक्निक के लिए भी जाने जाते थे, जिसको हम आज 3-स्टेप प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत ही जानी वाली टेक्निक है और वो अक्सर यूज किया करते हैं और गारंटीड सक्सेस वाली टेक्निक। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च ऑन सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कब चकता है, कब हकता है, आपको उसकी ए टू बी सब जानकारी होनी चाहिए। जी जी जी, हमारे जमाने में देखिए हम अलग अलग टेक्निक यूज किया करते थे, जैसे ये सनग्लास वाली टेक्निक। आपको लग रहा होगा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम देख रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को। वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो क्या खा रहा है, हम सब जानकारी ले लेते। पर आजकल कोविड के कारण देखिए ये सब मुमकिन नहीं होता है, तो हमने एक नए टेक्निक बनाया जिसको हम कहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक स्टॉकिंग टेक्निक। इसमें क्या करना है, देखिए ये जो स्टॉकिंग टेक्निक है, इसमें आपको पहले तो सब्जेक्ट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, फिर 50-60 म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जाने चाहिए, फिर चालू होता है असली गेम। जैसे ही सब्जेक्ट ने कोई कमेंट या पोस्ट शेयर किया, उसका कमेंट सेक्शन आपको स्पैम कर देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ पोस्ट, वाओ भीड़ू क्या पोस्ट है, ओएमजी ! तो ऐसे आप रिसर्च करेंगे, अच्छे से उसकी जानकारी मिलेगी, फ्रेंड से सबसे अच्छे से जानकारी मिलेगी। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए वो है अच्छा किलिंग वेपन चूज करना। अब देखिए, हिस्टोरियंस का मानना है कि अच्छा किलिंग वेपन चूज करना ही आपको गेम जीता जाता है। ये जो किलिंग वाला गेम है वो आप जीत जाए, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये कोर्स में हम प्राइमरीली बहुत सारे किलिंग वेपन्स देखेंगे। हम आपको अभी थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाएंगे हम क्या क्या किलिंग वेपन यूज करेंगे। जैसे चाकू यूज करेंगे हम ये सॉर्ड यूज करेंगे, देन ये कैची यूज करेंगे। जी जी जी, उसके बाद जो है वास यूज करेंगे। जी जी, नहीं नहीं नहीं, हंसिएगा मत जनाब, हंसिएगा मत। ये वास को भी अलग अलग एंगल से मारने पे अलग अलग इम्पैक्ट आता है। जी 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 जी, अलग अलग आता है जी। और उसके बाद मोर्टीन यूज करेंगे हम। हाँ जी, मोर्टीन यूज करेंगे मच्छर इंसान मारने के लिए। जी जी जी। और एक आपने कभी टेक्निक सुने नहीं होगी, या हमने टेक्निक याद की, साजिद खान की हिम्मत वाला दिखाने की टेक्निक। जी, इससे भी मृत्यु होती है, इसकी भी अलग अलग कंडीशंस है ये फिल्म दिखाने की। पहले सुबह सुबह उठ के ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराना होता है सब्जेक्ट, सो हम सब सीखेंगे पेशेंस से। जी, ये तो रहा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के लिए वो है अच्छी टैगलाइंस चूज करना। अब देखिए, मैं हिस्टोरियंस का मानना नहीं मानता, और मेरे मानने में अच्छी टैगलाइन चूज करना इज इक्वल टू एक अच्छा किलिंग वेपन चूज करना। ये आपका स्टाइल डिफाइन करता है सर / मैम, आपका स्टाइल डिफाइन करता है। तो देखिए, आजकल मार्केट में
काफी बेकार तरह के टैगलाइंस आने शुरू हो गए। अभी मैं रिसेंट में एक सुना था, क्या सुना था, हाँ मेरा नाम है बुल्ला नहीं रखता खुल्ला। देखिए अगर आप इस कोर्स के बाद ऐसी टाइप की टैगलाइंस यूज करेंगे तो सॉरी टू से बट मैं आप लोगों को डिसओन कर दूंगा। सिंपली टू से मैं आप लोगों को डिसओन कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ एक और बात, इधर तो हमारे जोकर के 3 स्टेप प्रोसेस खत्म हो गए पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था। ये कोर्स में जो है ना हम सिर्फ लोगों को मारना सिखाएंगे, मारने के बाद बॉडी को रफा दफा कैसे किया जाए वो नहीं। तो कृपया करके इसके बारे में ईमेल ना करें, समझा ना। यू बेटर। तो चलिए हमारे पहले किलिंग वेपन की ओर बढ़ते हैं। अरे सर नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैथ्स की क्लास ले रहा था सर। हाँ ओ अपने चाकू देख लिया। ओ यार सॉरी फिर। नहीं सर मारो मत सर, मारो मत, मारो मत सर, मारो मत सर, आपको भी सिखा दूंगा।